थोड़े पैसे दो ना। इसलिए बाल और नाखून बहुत ही बड़े हो गए, कटवाने हैं। आई तुम फिकर मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। ओ भैया, मालिक ने भैंस भिजवाई है बाल काटने के लिए। मेरे भी बाल काट दीजिए। आओ बैठो, पहले मैं बच्चे का बाल काट देता हूँ, फिर भैंस का बाल काटता हूँ। तब तक तुम ये काम करो, पानी से भैंस के बाल गीले करो। ठीक है। क्यों, क्या हुआ? ये अकड़ी का तो मैं नहीं कटवाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? स्कूल में लड़ाई झगड़ा किए हो क्या आपस में? नहीं। इसका पूरा नाम पूछो पहले। क्या नाम है तेरा? भीमराव। आगे? अम्बा उडेकर। अम्बा उडेकर। जाति? देखा, मैं समझ गया कि तुम कौन। चलो चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाता। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। क्यों? ये बात जाके अपने बाप से पूछना कि हम तुम्हारे बाल क्यों नहीं काट सकते। चलो चलो यहाँ से। चलो ये कपड़ा भी अपने साथ में लेके जा, हमें इस कपड़े को किसकी गर्दन में बांधूंगा। भैया आप तो मेरी भैंस के बाल काट दो। भिगो दिए बाल? हाँ भिगो दिए, मुलायम हो गए होंगे। ला काट देता हूँ। एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। कहा ना, अपने बाप से जाके पूछो। भाग यहाँ से। भाई सुनो तो, बीवा ये गोल घेरा पूरा समाज है। हाँ, यहाँ हम सब रहते हैं, हमारा आस पड़ोस गली मोहल्ला सब सब यहाँ रहते हैं इस गोल घेरे में। इस गोल घेरे के बीच एक लकीर बना दी गई जिसने इस गोल घेरे को दो हिस्सों में बांट दिया। ये दो हिस्सों में जो ये हिस्सा है, यहां के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। इस हिस्से में तुम्हारा स्कूल है, नाई की दुकान है, यहां तक के ये सामने वाला चाय वाला भी है। सब लोग इसमें हैं। अब आता है ये हिस्सा जहां पे तुम खड़े हो। इस हिस्से में तुम हो, मैं हूं, बाबा है, हम सब लोग हैं, हमारा परिवार है। विवाह यहां कुछ नहीं है दुत्कार के सिवा। इस हिस्से के लोगों से ये बड़े लोग घृणा करते हैं। आप समझ रहे हो हमारी क्या जात है? ये सच समझकर इस अपने हिस्से में रहोगे तो जीवन आसान होगा। देख लो इसे
और समझ लो। धीरे सब कुछ हो, समय इसे मुझे कक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है, हम इस समय इसलिए मेरा बोरा सबसे अलग कर दिया जा रहा है, हम इस समय इसलिए मुझे चपरासी काका ठीक से पानी नहीं पिला रहे, हम इस समय इसलिए चपरासी काका ये कह रहे हैं कि पानी पीना है तो अपना लोटा ले आओ, मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा और ना ही बाल और नाखून कटवाने के लिए किसी नाई के पास, मेरे कहीं जाने से छूने से बैठने से किसको तकलीफ होती है, मैं किसको तकलीफ क्यों दूं? देखो बेटा ऐसा नहीं कहते, आई की बात तुमने सुन ली, अब बाबा की बात भी सुन लेना, तुम स्कूल जाओगे, लोग तुम्हें जो भी समझेंगे, तुमसे जितना भागेंगे उस पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अपने हिस्से में रहकर सभी लोग जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन दुनिया अब उन्हीं को मानती है जो अपना हिस्सा लांग कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तुम भी इस लकीर को तभी मिटा पाओगे जब किसी की परवाह किए बिना पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। इंसान की हैसियत जब बड़ी हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप छोटी हो जाती है। बाबा अब ये बताइए कि हर साल हमारे परीक्षा होती है तो हम दूसरे कक्षा में जाते हैं, लेकिन दीदी लोग की कक्षा अब घर में ही पढ़ा देते हैं बिना परीक्षा के। बाबा कोई तो उपाय होगा कि दीदी लोग भी सचमुच की परीक्षा दे सके। हाँ तभी तो पता चलेगा कि दोनों कितनी पढ़ाकू है। एक उपाय है, सावित्रीबाई फुले ने पूना में बच्चों के लिए कई स्कूल खोले तो वहां से परीक्षा का फॉर्म भर दे। अरे कहाँ जा रहा है राम जी सकपाल? शायद अपनी बेटियों को यहाँ से दूर लड़के वालों को दिखाने ले जा रहा होगा। अब आसपास के लोग तो इनसे रिश्ता बनाने से रहे, इसलिए जा रहा होगा किसी को ठगने। देख नहीं रहे हो कैसे तैयार होके जा रही है महारानिया? सही है ना, एक पसंद नहीं आएगी दूसरी आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है किसी को कोई जवाब देने की। देखो चूजे की अम्मा चूजे को समझाई। करो करो शादी करो।
शादी करवाने नहीं, परीक्षा का फॉर्म भरवाने ले जा रहे पुणे। आपके घर में भी लड़कियां हैं, हमारे पर हंसने के बजाय आप उनके पढ़ने की व्यवस्था करते हैं तो कितना अच्छा होता।